आज हम लोग देखेंगे कि कन्वेंशनल लोको में हैंड ब्रेक कैसे लगाते हैं और क्या क्या उसमें सावधानियां बरतते हैं। सामान्य तौर पर हैंड ब्रेक तब लगाया जाता है जब किसी लोको को डेड स्टेबल करना हो। इस प्रक्रिया में विधिवत पहले लोको को हम बंद कर लेते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस लोको को हमने बंद किया है और इसके SA9 ब्रेक हमने लगा दिए हैं कि इसका SA9 का प्रेशर दिख रहा है। इसके बाद में हम लोग हैंड ब्रेक लगाएंगे। इस लोको में मैकबेल टाइप का हैंड ब्रेक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक व्हील होता है जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करता है। साथ ही साथ में एक हैंडल है। इस हैंडल को हम लोग हाथ से पकड़ेंगे और इस हैंडल को हम जैसे ही घुमाते हैं, घुमाते हुए देखेंगे कि चेन ऊपर की दिशा की ओर आ रही है। ये चेन का ऊपर आना इस बात का संकेत करता है कि हैंड ब्रेक लगने जा रहा है। इस हैंड ब्रेक में जो हैंडल लगा हुआ है, इसमें एक लॉकिंग अरेंजमेंट भी है। इसको जरा देख लें कि लॉकिंग अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पिन होती है इस पिन को इस तरीके से सेट करते हैं, और ये जो निशान है इस निशान के सीध में ला करके जब हम इसको लगा देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। फिर जिस कंडीशन में हमने लॉक कर दिया फिर बराबर से वो वहाँ से मूव नहीं होता है। इस तरीके से हैंड ब्रेक की ऑपरेशन होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये चेन पूरी तरीके से टाइट हो गया है, पिस्टन इसका बाहर है, लेकिन साथ ही साथ में SA9 चूँकि लगा हुआ है, हमको इसको इंश्योर करने के लिए SA9 को रिलीज करना पड़ेगा। ये हमने SA9 को रिलीज किया हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि अभी पिस्टन अंदर की ओर जो जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है, मतलब मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से हैंड ब्रेक पूरी तरीके से लग गया है। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसकी चेन पूरी तरीके से टाइट है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अब इसको खोलने के लिए केवल करना ये है कि व्हील को घुमाना है। ये देखिए, हम व्हील जब घुमाते हैं चेन नीचे की तरफ में जाती है, चेन नीचे की तरफ जा रही है और इस तरीके से हैंड ब्रेक हमारा रिलीज हो जाता है। इस तरह से हैंड ब्रेक को आसानी से लगाया जा सकता है और रिलीज किया जा सकता है।